सर ये कह रहे थे। बढ़ेंगे आगे और हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, वो याचिका खारिज हो गई है। हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, ये तो अगर इसको हम ऐसे समझें कि आपने तो एक तरह से ये साबित और इसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है और पहले से आपने एंटिसिपेट कर लिया है कि देखिए पंचायत चुनाव में हिंसा तो होगी ही, इसलिए आप हमें केंद्रीय बल दे दें, काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो गया ये बंगाल सरकार के लिए? इसमें जो पूरा मामला है उसमें पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ये दो लोग पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। राज्य निर्वाचन आयोग की अपनी अलग दलीलें थी, राज्य सरकार की अलग दलील थी। राज्य सरकार का ये कहना था कि उन्होंने किसी भी हिंसा से निपटने के लिए आस पास के राज्यों से जो उनकी पुलिस है, फोर्स है, वो मंगाई है और इसलिए जो कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश है केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस को नियुक्त कर को तैनात करने का, उसकी जरूरत नहीं है। वही राज्य निर्वाचन आयोग की दलील ये थी कि उसका काम फोर्सेस डिप्लॉयमेंट नहीं है, उसका काम सिर्फ रिपोर्ट देना है कि क्या चुनाव कराने के लिए स्थिति है, सुरक्षा के इंतजाम है या नहीं। तो ये दोनों अलग अलग ग्राउंड पर ये लोग पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बंगाल सरकार को आपत्ति क्या है अगर यही काम केंद्रीय अर्धसैनिक बल कर दें, बजाय इसके कि वो अलग अलग राज्यों से वहां की पुलिस फोर्सेस मांगे। बंगाल सरकार नहीं चाहती थी लगातार इस दलीलों से लगा कि केंद्रीय जो बल है वो वहां पर नियुक्त हो, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि सबसे पहली जरूरत चुनाव में ये होती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और आप कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणियों को देखें कि उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि नामांकन तक अगर नहीं हो पा रहा है बगैर भयमुक्त वातावरण में, तो चुनाव के समय क्या स्थिति होगी। इसीलिए बंगाल पुलिस पर्याप्त नहीं है सुरक्षा मुहैया कराने के लिए मतदाताओं को और उम्मीदवारों को, और केंद्रीय बलों की नियुक्ति की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में साफ कर दिया है और ये रास्ता साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव में केंद्रीय अर्धसैनिक बल बराबर नियुक्त होंगे सभी ऐसे मतदान केंद्रों पर जहां पर खास तौर से जो हिस्ट्री रही है वायलेंस की वो तो रही है, और इसके अलावा आमतौर पर भी अर्धसैनिक बलों की, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की जाएगी अलग अलग मतदान केंद्रों। बिल्कुल विकास, हमारे साथ बने रहिए, हम प्रसेनजीत के पास चलेंगे जो कि कोलकाता में इस वक्त मौजूद है। प्रसेनजीत, साफ तौर पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और ये जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं कि चुनाव कराना ये हिंसा के लाइसेंस देना नहीं है, कैसे देखा जाए इसको? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 2013 में भी ममता सरकार की तरफ से इस तरह से जब उस वक्त की स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मीरा पांडे ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की थी तो इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका डाला गया था। उस वक्त भी प्रदेश सरकार का हार हुई और सीएपीएफ के दायरे में चुनाव किया गया था। तो फिर से इस बार इस तरह से हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की जो डिवीजन बेंच है उनके खिलाफ जाने का क्या मतलब है? इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाया वो तो लगाया ही, ऊपर से इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है उसके ऊपर भी सवाल आ गया है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से कहा कि पुलिस बुलाना यह उनका काम नहीं है, फोर्सेस बुलाना उनका काम नहीं है, लेकिन ये तो उनका काम है, यहाँ पे लोगों का कहना है, ये तो उनका काम है कि शांतिपूर्ण तरीका से चुनाव हो जाए। जिसके जिस तरह से पिछले कई दिनों से जब नामांकन भरा गया था और आज शाम को 3 बजे तक नामांकन वापस लेने की जो समय है, इस वक्त जिस तरह से लोगों की मौत हुए है, जिस तरह से बम और गोलियों की बरसात हम लोगों ने देखे है, जिस तरह से जो ऑपोजिशन की जो कैंडिडेट्स है वो अपने अपने घर छोड़ के, गांव छोड़ के अलग अलग जगह पे जिसको सेफ हाउस कहा जा रहा है वहां पे शरण ले चुके हैं, तो ये स्थिति चुनाव आयोग को इसको नजर लेना जरूरी था क्योंकि इस समय पे लॉ एंड ऑर्डर चुनाव आयोग की दायरे में है जी। तो ये फटकार भी लगाया गया है तो लोग, गांव के लोग भी थोड़ा सा सुकून में है कि आखिर तक सेंट्रल आर्म फोर्स के फोर्सेस की दायरे में चुनाव किया जाएगा, कम से कम वो मतदान केंद्र तक पहुंच जाए और अपना वोट डाले। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, समय इतना ही है। विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रसन्नजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ अपनी बात साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे और सबके बीच पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा के मामले पर बीजेपी ने एक बार फिर आड़े हाथों लिया है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही थीं,
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट तौर पर निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र के संरक्षक और बंगाल सरकार के लिए सबक के तौर पर देखा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया के दौरान लोकतंत्र को कुचलते हुए हिंसा के जो हृदय विदारक दृश्य देखने को मिले हैं और उसके ऊपर पश्चिम बंगाल सरकार की असंवेदनशीलता और फिर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के ऊपर जो राजनीति करने का प्रयास किया था, पहले सर्वोच्च न्यायालय और पहले उच्च न्यायालय और अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मैं कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने चाहिए और इसके लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग स्वयं राज्य के चुनाव आयोग ने की थी।